सरकारी काम को ठीक सुचारू ढंग से चलाने के लिए हमारा जो इस प्रकार के भर्ती करने का और अच्छे लोग भर्ती होकर के आए, ये पहले दिन से ही हमारी प्राथमिकता रही है। जैसे पहले भर्तियां होती थी, कोई सिफारिश से हो गई, कहीं और किसी प्रकार के अनफेयर मीन्स के माध्यम से जो भर्तियां चलती थी उसको हमने प्रायः बंद कर दिया है, और जहां कहीं हमको पता लगता है उसमें हम सख्त निर्णय भी लेते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। अभी हमारे अपने समय में चाहे कोई गलती हुई होगी, चाहे उससे पहले गलतियाँ हुई हुई हैं, हम कभी किसी को बख्शते नहीं हैं और दोषी को ज़रूर पकड़ करके उसको सलाखों के पीछे डालते हैं। पिछले साल मात्र में लगभग 650 लोगों को हमने अरेस्ट किया था, जो इस प्रकार के नकल के केसेस में या कई प्रकार के अथंडे करते हुए जो पकड़े गए थे। तो इसलिए अब फेर भर्तियां जो होती हैं, उस समय भी विपक्ष को तकलीफ हो जाती है कि फेर भर्तियां भी क्यों हो रही हैं। तो इसलिए फेर भर्ती के लिए सब कुछ करेंगे, हम अपनी ओर से भी करेंगे, और मैं कहता हूँ विपक्ष भी कोई अच्छा सुझाव देगा उसको भी मानेंगे। हमारी जो भर्तियाँ होती हैं वो सरकारी कर्मचारी लगभग 30 से 35 साल तक प्रदेश की जनता की सेवा करता है, तो इसलिए अच्छे लोग आएंगे तो जनता को उसका लाभ होगा। देखिए, इस देश में बजट को लेकर के नए नए इतिहास बन रहे हैं। हम लगातार बजट से पूर्व इतनी बैठकें कर रहे हैं, बजट को बनाने में मेहनत कर रहे हैं, सब विभाग हमारे लगे हुए हैं, और एक इतिहास ऐसा भी है कि हमारे पड़ोसी प्रदेश में बजट को पढ़ने का भी मुख्यमंत्री को अवसर नहीं मिलता और वो पिछले साल का बजट पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये भी एक अपने आप इतिहास बना है। लेकिन मित्रों, बजट एक बहुत महत्वपूर्ण एक विषय होता है, ये अवसर होता है, दस्तावेज होता है, जिसमें प्रदेश के लोगों का ज़्यादा ज़्यादा कैसे भला किया जाए और आने वाला वर्ष हमारे काम का किस प्रकार से जनहित में काम करने का जो एक खाका है वो तैयार किया जाए। तो इसलिए हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे सबसे बात कर रहे हैं। दो दिन पहले मैंने मेंबर पार्लियामेंट्स को भी उनसे बातचीत की, बहुत अच्छे सुझाव उन्होंने भी दिए हैं, और अभी विभागों के अनुसार जो चर्चा हमारी चल रही है, आज ये दूसरी मीटिंग उसमें थी। पहले कुल 32 विभागों ने उस दिन अपना पार्टिसिपेट करके अपने अपने सुझाव दिए थे। आज 10 विभाग जो बचे थे उन्होंने भी अपने विषय बताए हैं। अब ये निर्णय करने का विषय बाद में रहेगा। एक हमने जो फाइनेंस कमेटी, फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ मिल बैठ करके हमारे जो सीएमओ के लोग हैं और बाकी सब मिल करके कि उन सुझाव में कौन कौन से ज़्यादा ज़्यादा एडजस्ट किए जा सकते हैं उनको सबको एडजस्ट करेंगे, और एक अच्छा बजट जो विकास का बजट भी होगा और जो जनता की सेवा के नाते से जितना भी सर्विसेज सेक्टर हैं उसके लिए भी एक अच्छा बजट होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बजट सत्र 20 तारीख से शुरू होगा और कई दिन तक चलेगा, और जो इंटरेस्टिंग सुझाव होंगे वो सारे उसमें प्रस्तुत किए जाएंगे, तो आपका ज्ञानवर्धन होगा।